आम आदमी पार्टी दे आगुआं दे वल्लों सरकार अते जिला प्रशासन ते एक वड्डा खुलासा किया गया है। रूपनगर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दौरान आम आदमी पार्टी दे आगुआं ने सरकार अते जिला प्रशासन दे वल्लों 3 माइनिंग ठेकेदारां नूं 632 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने दे दोष लगाए ने। समाजिक कार्यकर्ता ते आप दे जनरल सकत्तर वकील दिनेश चड्ढा ने कागज़ पत्र पेश करदिआं दस्सिआ कि जिला प्रशासन दे वल्लों माफिया दे सरप्रस्त आगुआं दे दबाअ हेठ नजायज़ माइनिंग लई जिम्मेवार अफसरां ते कोई कार्रवाई नहीं कीती है। रूपनगर विखे हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वालों सरकार अते जिला प्रशासन से होर भी कई गंभीर दोष लगाए गए ने। रोपड़ जिले के पिछले कई सालों तो जो अंधाधुंध नजायज माइनिंग चल रही है, अज असी डॉक्यूमेंट रखे ने जिदे नाल कि पता चलता कि उहदी की असैसमेंट है, किन्नी वड्डी लुट हो रही है। 3 खड्डा हरसा बिल्ला सवाड़ा ते बेईहारा जो कि असी लड़ के मैडम गुरनीत कौर तेज होना दे टाइम दे विच उन्हां दा ठेका रद्द करवाया सीगा, ते ठेका रद्द करवाण तो बाद च जिले दी नजायज़ माइनिंग नूं लै के नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दे कोल केस मेरे वालों दायर किया गया सी जो कि अज भी चल रहा है। उस केस दे विच एक रिपोर्ट फाइल हुई है, जिस रिपोर्ट दे विच सानूं इह पता लग्या कि 3 खड्डां दे ठेकेदारां तों नजायज़ माइनिंग दे कारण 6,32,62,997 करोड़ रुपए की जिहड़ी मुआवजा रिकवर करना पेंडिंग है, 2 साल तो पेंडिंग है, पर सरकार वालों प्रशासन वालों वो रिकवर नहीं किया जा रहा। 632 करोड़ रुपया जिहदे विच्चों जेकर असीं कल्ली कल्ली खड़ दे ठेकेदारां की गल करिए, सवाड़ा खड़ दे विच जो नजायज माइनिंग हुई है उत्थों 464 करोड़ रुपया उहदी वैल्यू बनती है। बईहारा दे विच जो हुई है उहदी जिहड़ी है 165 करोड़ रुपये उहदी जिहड़ी वैल्यू बनती है, ते हरसा बेला दे विच 2,06,00,000 रुपया वैल्यू बनती है जो नजायज़ माइनिंग हुई है। पर 2 साल का समा हो गया, NGT 'च केस चलता, NGT दे हुक्म है, उहदे बावजूद 1 रुपया भी रिकवर नहीं होया, क्योंकि जिहड़े तमाम सियासी लीडर जिहड़े माफिया दे दलाल है, जो अफसर माफिया दे दलाल है, वो चाहते नहीं भी रिकवर होवे। दूजी गल यह है कि जे 3 खड्डां दा 632 करोड़ बनता तो जो अंधाधुंध तबाही पूरे जिले के मची हुई है वह तुसीं आप हिसाब ला लो भी 1,000 करोड़ रुपया बनता। यह 632 करोड़ की फिगर थोड़े सामने रखण का मकसद यह सीगा कि यह 632 करोड़ पेश करना मकसद नहीं सी, मकसद यह सीगा यह 632 करोड़ नूं धुरा बना के तुसीं आप असैस कर सको कि जो कुछ पूरे जिले के हो रहा उहदी किन्नी वड्डी लुट बनती है, 1,000 करोड़ों की बनती है। और हैरानी की गल है भी 1,00,000 रुपए की गली का काम शुरू कराने वेले तो साढ़े जोड़े लीडर है चुने हुए नुमाइंदे है वो नींह पत्थर रख आ जाते हैं, फीता कट्ट आ जाते हैं, अपना नौ लिख के जाते उपर, जे इन्हों का बस चले शायद दादे पड़दादे का नाँ भी लिख देन, पर आ जड़ा 1,000 करोड़ जिले के लुट हो रहा ये उपर अज असी इन लीडर का नाँ लिख के जा रहे हैं कि थोड़ी असली औकात आ है, तुम असली जिले के आ लुट करवा रहे हैं। वो 1,00,000 रुपए के नींह पत्थर रख के लोगों के अखी घट्टा नहीं पैना, थोड़ी सच्चाई लोगों के रख रहे हैं, असल आम है आ जिले तुम लुट सुट करा रहे हैं। चंकी पॉलिसी बन के नजायज़ माइनिंग की जगह जायज माइनिंग करके 1,000 लोगों रुजगार दिता जा सकता, कारोबारियों चोर की बजाए कारोबारी बनाया जा सकता, पर वो लीडर दिया अपन जेबा नहीं भरनिया, अपने घर नहीं भरने, एक मिनट इस करके नीति नहीं बना रहे, इस करके पॉलिसी नहीं बना रहे। नवजोत सिद्धू ने दी अगवाई कैबिनेट की सब कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार करके दिती सी पॉलिसी बनाने लई, पर उस रिपोर्ट से अज तक कुछ नहीं होया क्योंकि माफिए लटाना, माफिए के सियासी लीडर लटाना, इस करके पॉलिसी नहीं बना। जिक्र खास है कि नजायज़ माइनिंग दियां खबरां अक्सर ही आउंदियां रहिंदियां ने अते हुण आम आदमी पार्टी दे आगुआं दे वल्लों ए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वड्डा खुलासा कर दिता गया है जो कि जांच दा विषय है। रूपनगर तो सज्जन सैनी दी स्पेशल रिपोर्ट दे नाल ब्यूरो रिपोर्ट द टीवी NRI।